सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, सब बड़ी मेहनत से दुकान सजाई थी। बहुत मेहनत से। कितने साल से दुकान कर रहे थे सर? 15 साल। 15 साल से नुकसान हो गया। 15 दुकानें हमारी जीरो हो गई, आप देख लीजिए। हतवा मार्केट में 60 दुकानें हैं, 15 शून्य हो चुकी है। शून्य का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम भी बहुत अच्छी, वो भी आ गए, वो 4 बजे के अंदर 10 मिनट में आ गए वो लोगों ने, और उन लोगों ने पूरी मार्केट को बचा लिया। अगर वो लोग नहीं आते तो पूरी मार्केट जीरो हो जाती। क्या सरकारी मदद या कुछ ऐसा जो सहायता है वो मिलने जा रही है इन लोगों को? क्या कोई सरकारी मदद या आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कोई आश्वासन नहीं मिला है? जी नहीं। हम लोग तो पटना सिटी रहते हैं, यहाँ से फोन गया किसी दुकानदार का कि अब बिजली साइड से कोई कहता ठनका गिरा है, इसका पूरा पता नहीं अब कैसे आग लगा है। बगल में चंदा मामा इनका 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। फिर आगे बाबा एंड बेबी, ये स्टैंड ट्रेडिंग है, 7-8 दुकान तो एकदम खत्म हो गई है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नितिश सिंह। पटना के हतुआ मार्केट में खड़े हैं और ये मार्केट काफ़ी मशहूर है, यहां पर लोगों को काफ़ी जो है भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा है, लोगों के चेहरे पर मायूसी है और ख़ास तौर से दुकानदारों के चेहरे पर। देर रात यहां पर देखिए ठंडका गिरने से जो है आग लगी है, करीब 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ है, कई दुकानें जलकर राख हो गई है और दुकानदार यहाँ पर हताश देखिए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी दुकान की तरफ घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। किस चीज की दुकान थी आपकी? रेडीमेड की। कितने की नुकसान हुए सर? अभी अंदाजा नहीं, अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब बड़ी मेहनत से दुकान सजाई थी। बहुत मेहनत से। कितने साल से दुकान कर रहे थे सर? 15 साल। 15 साल से। देखिए आंखें जो है वो नम है, भावुक है, क्यों ना हो। बड़ी मेहनत से यहाँ पर दुकानदार दुकान लगाए थे और कई सालों से हतुआ मार्केट में जो है यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे, लेकिन देर रात जो हुआ है काफ़ी नुकसान हुआ है। बात करेंगे सर, आपका कितना नुकसान हुआ है? भैया ये आकलन करना मुश्किल है, कुछ सामने जो है आप ही देख लो ना, इसमें क्या आकलन ऐसे करें बताइए ना। सब कुछ साफ है, सब कुछ साफ हो गया है। शून्य शून्य हो गया है। कितने साल से सर यहाँ पर दुकान कर रहे हैं आप लोग? करीब 60 साल। 60 साल है। 60 साल से थी पुरानी दुकान है। क्या लगता है सर कितने का नुकसान हुआ होगा? ये आकलन करना मुश्किल है अभी। कोई कह रहे हैं 10 करोड़, कोई 12 करोड़, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या बोल रहे हैं सर? सर अभी दुकानें सारी जली हुई, आप खुद देख सकते हैं, और ना कोई कागज़ मेरे पास है जो आप स्टेटमेंट लेना चाहते हो, हम कैसे दे सकते हैं आपको? मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप देख लीजिए। आकलन का कोई उपाय नहीं है, जब हम लोग स्थिर होंगे तो हम लोगों का फाइल निकलेगा तो बताया जाएगा कि क्या नुकसान है। काफ़ी नुकसान हो गया। 15 दुकानें हमारी जीरो हो गई, आप देख लीजिए। हतवा मार्केट में 60 दुकानें हैं, 15 शून्य हो चुकी है। शून्य का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ। ये देर रात घटना हुई है, ये 3:30 में घटना हुई है। हमारे गार्ड ने 3:30 में हम लोगों को खबर कर दिया और हम लोग 3:45 में आ गए सारे दुकानदार, और फायर ब्रिगेड की टीम भी बहुत अच्छी, वो भी आ गए, वो 4 बजे के अंदर 10 मिनट में आ गए वो लोगों ने, और उन लोगों ने पूरी मार्केट को बचा लिया। अगर वो लोग नहीं आते तो पूरी मार्केट जीरो हो जाती। पूरी मार्केट जी जी बड़ा हादसा कहिए तो उत्तर बहुत बड़ा हो चुका है। अब इससे बड़ा क्या हम लोग को चाहिए सर? बहुत बड़ा हो चुका, हम लोग सुन्न हो चुके हैं। जी काफ़ी दुकानदार यहाँ पर इकट्ठा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, और सुबह से जो यहाँ पर लोगों का है आना जाना लगा है, लोग आ रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, जा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से क्षति पहुँची है दुकानों के बाहर, इस तरीके का नज़ारा। हतुआ मार्केट में 15 दुकानें जल गई है और करीब जो है 10 करोड़ से अधिक की जो है नुकसान की बात सामने आ रही है। हालांकि ये अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कितने नुकसान हुई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से दुकानें जली है। देर रात कही जा रही है कि ठनका गिरने से अचानक एक बाइक पर ठनका गिरती है जिसके बाद आग लग जाती है और 1 दर्जन से अधिक दुकानें जो है वो जल जाती है। अब यहाँ पर देखिए दमकल की गाड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं, कई दुकानों से अभी भी हल्की हल्की जो आग की लपेटें हैं वो देखी जा रही है, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खास तौर से दुकानदार हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी है क्योंकि कोरोना काल का समय रहा, उसके बाद एक बार जो है दुकानें सजी थी और अब ये बड़ा नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 10 से 15 दुकान जल चुका है। 10 से 15 दुकान? हाँ 15 दुकान जल रहा है। आप लोगों का बोर्ड जला?
आप लोग का बोर्ड जल गया है? यहाँ से शुरू हुआ है, बोर्ड जलते हुए पूरा दुकान भाग गया। कितने साल से दुकान है आपका? 1960 से दुकान है। 1960 से दुकान है, यानी कि 62 साल से आपका दुकान यहाँ पर सजा हुआ था। देखिए दुकानदार हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, हालांकि उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक ये जानकारी है क्योंकि उनकी दुकानें यहां पर जली है और यहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो अब भी मौजूद है। लोग यहां पर आ रहे हैं दुकान देखने को, लेकिन यहां पर अभी यहां पर सन्नाटा है। यहां पर देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और काफ़ी हथुआ मार्केट का बड़ा नाम है पटना में, लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन देर रात जो कुछ हुआ है दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है। देखिए यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, अधिकारी भी जो है लगातार दुकानदारों से मिल रहे हैं। सर दुकानदारों से कुछ बातचीत हुई है क्या? हाँ बातचीत हुआ है। क्या हो सर? वो उजरे वाला बताया है लोग कि 10-15 को हो गया है। 10 से 15 दुकानें जली हैं। जली है हाँ। क्या लगता है सर कितने का नुकसान हुआ होगा? अब तो आकलन होगा तब ना। आकलन करेंगे आप लोग? हाँ हम लोग तो नहीं करेंगे, दुकान वाला आकलन करेगा। क्या सरकारी मदद या कुछ ऐसा जो सहायता है वो मिलने जा रही है इन लोगों को? तो देखिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, हालांकि इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं और उसके बाद ही अधिकारी को जो है वो बता पाएंगे। बढ़ा लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, यहाँ की हथुआ मार्केट की ये तस्वीरें हैं और देखिए दुकानें किस तरीके से जली है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और दुकानों से सामान को निकालने में जुटे हुए हैं और यहाँ पर और दुकानदार हैं, भाई लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान है, कैसे देखते हैं और सरकारी मदद क्या इन लोगों को मिल पाई है। देखिए दुकानदार हैं काफ़ी मायूस हैं। क्या लगता है कितने दुकानें यहाँ जली हैं? यही बताइए कितनी दुकानें जली हैं यहाँ? 8-10 दुकानें जल चुकी। दुकानें हैं जी, हमारी दुकानें हैं। किस चीज़ की दुकानें हैं? ये कपड़ा के, किड्स वेयर की। किड्स वेयर की, बच्चे का नुकसान हुआ है? वो तो नहीं पता सर। कितने का माल था अंदर? वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता है, काफी नुकसान हुआ है जी हाँ। क्या कोई सरकारी मदद या आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कोई आश्वासन नहीं मिला है जी? नहीं। कोई बड़े अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं जी? अभी तो नहीं आए अभी, कोई तो नहीं मिलने के लिए आए हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि अभी क्षति का आकलन नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षति पहुंची है कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है। दुकानदार बैठे हैं, क्या लगता है कोई सरकारी मदद आप लोगों तक मिल पाया है? देखिए मिल ही जाएगा, अभी तो मिला नहीं है, मिले क्या आशा है। आप लोग को मांग रखे हैं अधिकारी से बात? बोले हैं, बात हुआ है सेक्रेटरियर से। क्या बोले? बोले हैं कि देखिए अब तो जलल है, अब किसका इंश्योरेंस फेल है, किसको का है। हाँ का नुकसान हुआ है करीब 10 से लेकर 15 लाख का। किस चीज की दुकान थी? हमारी रेडीमेड सलवार सूट, सूट पीस, लहंगा। ये कितने बजे रात को हुआ है? ये करीब 3:30 बजे। कैसे हुआ? हम लोग तो पटना सिटी रहते हैं, यहाँ से फ़ोन गया किसी दुकानदार का कि अब बिजली साइड से या कोई कहता ठनका गिरा है, इसका पूरा पता नहीं अब कैसे आग लगा है। आने पर देखे तो यहाँ भयानक आग लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। हाँ देखिए बगल में चंदा मामा इनका 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। करोड़ों का नुकसान, फिर आगे बाबा एंड बेबी, ये स्टैंड ट्रेडिंग, 7-8 दुकान तो एकदम ख़त्म हो गई है। तकरीबन कितनी दुकानें जली होगी? करीब 6 से लेकर 7। 6 से 7 दुकानें जली हैं। और पूरा नुकसान बताया जाए तो कितना है? यही 4-5 करोड़ का तो हो ही होगा सबका मिला के। 4 से 5 करोड़ का। तो हम हथुआ मार्केट से दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर स्थिति क्या है। 15 से अधिक दुकानें जली हैं और दुकानदारों में मायूसी है। करीब 12 से 15-18 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है औसतन, लेकिन ये स्पष्ट अब तक नहीं हो पाई है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन नुकसान करोड़ों का है। पटना का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है हथुआ मार्केट, और ये मार्केट शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनकता नज़र आती है, लेकिन आज यहाँ पर उदासी जो है वो दिखी जा रही है। दुकानदारों के चेहरे पर खासतौर से मायूसी है। अब देखना होगा क्या इन दुकानदारों को कोई आर्थिक मदद जो है राज्य सरकार के द्वारा मिल पाती है, क्योंकि सरकार लगातार इस तरह के मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो क्या इन दुकानदारों को मिलेगा, आप क्या कुछ आगे खबरें रहेगी, हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।